हेलो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले जो हम लोगों ने दो पार्ट बनाए थे, सॉल्यूशन जिसका हमने लिया था वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक, और फिर जो पार्ट 2 था वो क्वेश्चन नंबर 46 से 100 तक था। तो आज हम लोग पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 से, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं 101 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट, है ना? डीवी टेस्ट, डीवी लॉस टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट के लिए जो मीटर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टीएमएस किट इस्तेमाल करते हैं। और टोन फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना सेट करेंगे अगर वीएफ सर्किट्स के लिए अगर हम लोग बात करें, क्योंकि क्वेश्चन उसी संदर्भ में पूछा गया है कि ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट वीएफ सर्किट्स के लिए विद द हेल्प ऑफ टीएमएस किट जो हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे वो टोन फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 800 हर्ट्ज़ या 800 साइकल्स पर सेकेंड। तो डीवी जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, लॉस टेस्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए 800 साइकल्स पर सेकेंड रखेंगे, टीएमएस किट का इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, ये भी क्रॉस टॉक से रिलेटेड है, केबल के ऊपर क्वेश्चन है कि वीएफ सर्किट के लिए जो क्रॉस टॉक टेस्ट अगर हम करेंगे, क्रॉस टॉक टेस्ट कैस कैपेसिटी वन बैलेंस को दूर करने के लिए हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं, ये भी इस क्वेश्चन के संदर्भ में याद रखिएगा, है ना? और क्रॉस टॉक को टेस्ट करने के लिए हम लोग मीटर में 1000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, यानी 1000 साइकल्स पर सेकेंड, ठीक है? तो टोन फ्रीक्वेंसी के लिए 800 हर्ट्ज़ और क्रॉस टॉक के लिए 1000 हर्ट्ज़। 103 क्वेश्चन है पीरियडिसिटी ऑफ कंडक्शन टेस्ट, है ना? कंडक्शन टेस्ट पूछ रहा है यहाँ पर कि पीरियडिसिटी ऑफ कंडक्शन टेस्ट कैरिड आउट ऑन ए क्वाड केबल। क्वाड केबल के संदर्भ में ये क्वेश्चन है कि पीरियडिसिटी क्या होनी चाहिए क्वाड केबल में कंडक्शन टेस्ट की। तो कंडक्शन टेस्ट हम लोग मंथली करते हैं। ओके, अभी और भी बहुत सारे टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, आगे मिलेंगे हमें। तो पहला जो था हमारा कंडक्शन टेस्ट वो मंथली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट कैरिड आउट ऑन ए क्वाड केबल, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी पीरियडिसिटी क्या है? तो वो है हमारा ईयरली, यानी कंडक्शन टेस्ट तो हम मंथली करेंगे बट इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट ईयरली करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट से ही रिलेटेड है, ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट वो उसकी पीरियडिसिटी क्या होगी क्वाड केबल में, तो वो भी मंथली होगी, है ना? मंथली होगी। 106 है पीरियडिसिटी ऑफ क्रॉस टॉक टेस्ट, क्रॉस टॉक टेस्ट क्वार्टरली हम लोग करते हैं, और सोफोमेट्रिक जो नॉइस टेस्ट होता है वो भी क्वार्टरली करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सारे टेस्ट वन बाई वन यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, कंडक्शन टेस्ट मंथली, इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट ईयरली, ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट मंथली, क्रॉस टॉक टेस्ट क्वार्टरली, और सोफोमेट्रिक नॉइज टेस्ट भी क्वार्टरली। तो ये पांच जो टेस्ट हम लोगों ने पढ़े इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा हम इसके पीरियडिसिटी को ध्यान में रखेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन है टोन फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फॉर क्रॉस टॉक टेस्ट। अब जब क्रॉस टॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, बीपीएससी सर्किट के लिए, पहले तो वीएफ सर्किट के लिए कर रहे थे बट यहाँ पे बीपीएससी सर्किट के लिए जब हम लोग क्रॉस टॉक टेस्ट करेंगे तो 155 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, है ना? क्रॉस टॉक टेस्ट ऑन वीएफ सर्किट्स 1000 हर्ट्ज, बट 1000 हर्ट्ज यानी 1 किलो हर्ट्ज, बट जब बीपीएससी सर्किट के साथ में हम लोग क्रॉस टॉक टेस्ट करेंगे तो वो 155 किलो हर्ट्ज होगा। सो डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, याद रखिएगा। 109 का है लो इंसुलेशन फॉल्ट, लो इंसुलेशन फॉल्ट को टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे,
तो डिजिटल केबल फॉल्ट लोकेटर इस्तेमाल करेंगे, है ना, डिजिटल केबल फॉल्ट लोकेटर इस्तेमाल करेंगे, 109 का आंसर हो गया। और डिजिटल केबल फॉल्ट लोकेटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम लोग कहते हैं पल्स इको रिफ्लेक्शन, है ना। ओपन और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पल्स इको रिफ्लेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल केबल फॉल्ट लोकेटर के केस में। सो लो इंसुलेशन फॉल्ट डिजिटल केबल फॉल्ट लोकेटर, और डिजिटल केबल फॉल्ट लोकेटर काम करता है पल्स इको रिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर। 111 है क्वेश्चन, अ डिजिटल सर्किट कैन स्टोर अ बीट इन इज, डिजिटल सर्किट जो बीट स्टोर करते हैं वो करते हैं फ्लिप फ्लॉप में, है ना। बेसिकली हम लोग जो पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में या जहाँ भी हम लोग डेटा स्टोर कर रहे होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप के माध्यम से ही होता है ना। और जेके फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, ये भी एक याद रखिएगा। और भी आएंगे क्वेश्चंस, और भी आगे फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड आएंगे, अभी सीक्वेंस में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड केबल पाथ डायग्राम, इंटीग्रेटेड केबल पाथ डायग्राम। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो टू लोकेट द पाथ फॉर कैरिंग आउट मेंटेनेंस, फॉर कैरी आउट टेस्ट, और टू प्रोटेक्ट द केबल्स। तो इसमें से जो सबसे बेहतर जो बेटर हमारा जो ऑप्शन होगा वो है टू प्रोटेक्ट द केबल्स। इंटीग्रेटेड केबल पाथ डायग्राम में हम लोग लगभग सभी केबल्स को इंक्लूड करके जो इंटीग्रेटेड हमारा डायग्राम होगा उसमें सभी केबल्स के सिग्निफिकेंस को दिखाया गया रहेगा ताकि हमारी केबल प्रोटेक्टेड रहे। जब भी कोई काम हो, ट्रेंचिंग डिगिंग का काम हो, तो एटलीस्ट एक केबल की वजह से बाकी और केबल्स हैम्पर नहीं हो, उनकी वर्किंग अफेक्टेड नहीं हो। 113 बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर में दो बिट इस्तेमाल होते हैं, डिजिट इस्तेमाल होते हैं 0 एंड 1। सो 113 का ऑप्शन हो गया डी, 0 एंड 1, है ना। बाइनरी में हम लोग दो बिट इस्तेमाल करते हैं 0 एंड 1, तो यहाँ पे दो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड केबल मस्ट बी टेस्टेड पीरियडिकली बाई जेई टेली ऑन, उसकी पीरियडिसिटी पूछी जा रही है कि जेई टेली क्वाड केबल को कब कब टेस्ट करेंगे। तो क्वाड केबल की जो टेस्टिंग है, कंडक्शन टेस्टिंग जो सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं या ट्रांसमिशन लॉस टेस्टिंग है, वो है मंथली बेसिस पे। तो यहाँ पर हमारा जो जेई टेली का शेड्यूल है, स्केड्यूल है, वो मंथली है। क्वाड केबल मस्ट बी टेस्टेड पीरियडिकली बाई जेई टेली ऑन मंथली बेसिस, कंडक्शन टेस्ट, ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट, यानी जिसको लूप टेस्ट हम कह सकते हैं, लूप टेस्ट एंड ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट। क्वाड केबल मस्ट बी टेस्टेड पीरियडिकली बाई एसएससी टेली, एसएससी टेली है ना। तो एसएससी टेली का मतलब हो गया है इंचार्ज, सेक्शनल इंचार्ज, वो टेस्ट करेंगे क्वार्टरली एंड ईयरली, क्वार्टरली एंड ईयरली। जो मंथली होने हैं उनका इंचार्ज भी करेंगे, जो क्वार्टरली करेंगे, जो क्वार्टरली है उसका भी क्वार्टरली कर सकते हैं, और जो ईयरली टेस्टेड है टेस्टिंग है उसकी ईयरली टेस्टिंग कर सकते हैं। तो एसएससी टेली का मतलब होता है, यहाँ पर सेक्शनल इंचार्ज के संदर्भ में कहा गया है, जो जेई टेली के हायरार्की में ऊपर होंगे। 116 क्वेश्चन है मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाई ऑफिसर्स, ऑफिसर्स को जो कहा गया है वो है ईयरली कहा गया है कि सभी केबल्स को जो ऑफिसर्स हैं वो ईयरली टेस्ट करेंगे, ईयरली वंस एटलीस्ट। 117 है द इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ द 6-क्वार्ट केबल शुड बी ग्रेटर देन, तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ द 6-क्वार्ट केबल शुड बी ग्रेटर देन 10 मेगा ओम्स, 10 मेगा ओम्स से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और विद इन द पेयर अगर हम कहेंगे, अगर मान लिया कंडक्टर टू कंडक्टर अगर हम इंसुलेशन टेस्ट रेसिस्टेंस की बात करेंगे, तो वो होना चाहिए 100 मेगा ओम से ज़्यादा।
तो 6 कॉर्ड केबल्स का तो ये एज ए होल 10 मेगा ओम है, बट जो कंडक्टर के लिए कहा जा रहा है वो है 100 मेगा ओम से ज़्यादा। आप इसको चेक कर पाएंगे, लिटरेचर में भी मिलेगा, मैनुअल में, हैंडबुक में, सब जगह मिल सकता है। ये 118 है VLRA। अब क्वेश्चन भी गलत पूछा, VRLA पूछना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड है ना, वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड, तो 118 का आंसर है ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द सिस्टम्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट स्टेशन एंड, ये PIS का क्वेश्चन है, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो स्टेशन पर पैसेंजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारे TV वाले जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स एंड डिस्प्ले सिस्टम्स, वो हमारे CCTV जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो स्टेशन एंड पर लगाए जाते हैं पैसेंजर्स के लिए। बाकी सब जो है, PSTN है, कॉल सेंटर है, IVRS है, ये पैसेंजर एंड के लिए है, यानी पैसेंजर को चाहे कहीं भी हो, एट एनी प्लेस अदर देन स्टेशन, हम उसको इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, स्टेशन पर ही रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो एट पैसेंजर सेंड की जब बात करेंगे, मतलब पैसेंजर के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचे इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जो हम कह सकते हैं, या कॉल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, उसको हम लोग एट पैसेंजर एंड कहते हैं। तो 120 का जो देख लेते हैं, पहले तो स्टेशन एंड था, बट यहाँ पे पैसेंजर एंड पूछा जा रहा है, तो पैसेंजर एंड के लिए कौन सा इसमें से सुटेबल ऑप्शन है, वो है इंटरनेट, क्योंकि पोएट जो है, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल, वो स्टेशन पर लगता है, CCTV सिस्टम भी स्टेशन पर लगता है, जो अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्लेज यानी हमारे जो LED इंडिकेटर बोर्ड्स हैं, वो सब स्टेशंस पे लगते हैं। एक इंटरनेट है जिसको जिसकी मदद से हम लोग इंफॉर्मेशन पैसेंजर को उसके प्रेजेंस के हिसाब से, हम लोग चाहे वो कहीं भी हो, हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 120 का जो ऑप्शन होगा वो होगा इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, कॉल सेंटर इज द सिस्टम प्रोवाइडिंग ट्रेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर्स। कॉल सेंटर इज द सिस्टम है ना, कॉल सेंटर के ऊपर क्वेश्चन है, कॉल सेंटर पैसेंजर एंड के रिलेटेड माना जाता है, क्यों? क्योंकि कॉल सेंटर यानी जैसे 139 पर हम लोग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, तो वहाँ से किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको जानकारियाँ दी जाती हैं, तो वो स्टेशन पर उसके लिए होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेशन पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे दूसरे साधन हैं हम लोगों को जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो कॉल सेंटर यानी 139 जैसे हम लोग कॉल करते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हमें किसी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात हो जाती है, और वो हमारे जवाबों सवालों का जवाब आराम से दे पाते हैं। तो 139 या कॉल सेंटर फैसिलिटीज़ के थ्रू हम लोग पैसेंजर एंड पर ही सारी इंफॉर्मेशंस प्राप्त कर सकते हैं। 122, 122 नंबर सवाल है, LED बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड्स आर इंटरेक्टिव हैं क्या, नॉन इंटरेक्टिव हैं क्या, या दोनों हैं? तो जाहिर सी बात है, TV वाले जितने भी सिस्टम या डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं वो नॉन इंटरेक्टिव होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड कहा जा रहा है ना, तो LED बेस्ड यानी यहाँ पर टच पैनल वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सा डिस्प्ले बोर्ड है, तो वो सभी नॉन इंटरेक्टिव में आएंगे। अगर वहीं पर अगर टच स्क्रीन की बात की गई, देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया 123 कि टच स्क्रीन सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इंटरेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम टच करते हैं तो वो हमसे सिस्टम जो है हमसे इंटरेक्ट करता है, हमारे इनपुट्स लेता है और फिर वो आउटपुट जनरेट करता है। जैसा हम लोगों ने, हाँ सॉरी, तो ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, टच स्क्रीन सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोएट, पैसेंजर ऑपरेटर इंक्वायरी टर्मिनल भी कहते हैं, और अगर ऊपर वाले सवाल के हिसाब से अगर इसको जोड़ कर देखा जाए कि LED बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड्स आर, जैसे पूछा गया था कि इंटरेक्टिव है कि नॉन इंटरेक्टिव है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि टच स्क्रीन सिस्टम जो होता है वो इंटरेक्टिव नेचर का होता है, तो इससे दो सवाल बन सकते हैं, टच स्क्रीन सिस्टम्स आर
इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और टच स्क्रीन सिस्टम्स को हम लोग पोएट भी कहते हैं, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। क्यों? क्योंकि उसमें एक टच पैनल होता है जिसको टच करके, टच के थ्रू हम लोग अपने इनपुट्स इंसर्ट करके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, सिस्टम उसका रिस्पॉन्स देगा। 124 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी DVR, फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVR इज यूज्ड इन। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर का इस्तेमाल IP बेस्ड सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम में करते हैं या एनालॉग बेस्ड सीसीटीवी सर्विलेंस में करते हैं या दोनों में करते हैं? तो याद रखिएगा, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जो होता है DVR, हम लोग उसको एनालॉग बेस्ड सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एनालॉग शब्द DVR के केस में याद रखिएगा, है ना, एनालॉग बेस्ड सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम के लिए DVR का इस्तेमाल किया जाता है। और 125 नंबर क्वेश्चन है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क यूज्ड इन IP बेस्ड सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम हैज द स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी जो हम लोग IP बेस्ड सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम में रख रहे हैं, एज पर आवर पॉलिसी हम लोग आजकल टेराबिट्स में जा रहे हैं TV में। स्टोरेज कैपेसिटी दिया हुआ है, वैसे यहाँ टेराबाइट होना चाहिए, बट प्रिंटिंग मिस्टेक है या क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर है, ये हमारा टेराबाइट होगा। TV 125 का सी ऑप्शन है, टेराबाइट, है ना, टेराबिट्स नहीं, टेराबाइट, TB 125 का सी। ओके, तो अभी हमने 25 क्वेश्चन का एक यहाँ पर सेट कंप्लीट किया है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस केबल के ऊपर थे, केबल यानी क्वाड केबल के पीरियडिकल टेस्ट के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स के ऊपर और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर। तो इस पार्ट में हम लोग इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखते हैं, 15-16 मिनट का वीडियो है, और बहुत लॉन्गर वीडियो बनाने से फिर आपको दिक्कत ये आती है कि वन गो में पूरा ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी हम लोग इसको 15 या 20 मिनट का ही शॉर्ट सा वीडियो रखते हैं, ताकि आपको अपनी सुविधा अनुसार जब इच्छा हो तब इस सेट को पूरा एक वन गो में कंप्लीट कर पाएं। सो थैंक यू, अगले पार्ट को हम जल्द लेके आ रहे हैं, पार्ट 4 भी लेके आएंगे, फिर उसमें हम लोग भी 30 या 40 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। थैंक्स।